अब की बार मिली तो मैं उसे जरूर बताऊंगा कि वो मुझे अच्छी लगी है। इस बहाने रूमी से भी मुलाकात हो जाएगी, वो जा रही है ना हनीमून पे। काबिश का रात को फोन आया था, खैरियत से इस्लामाबाद पहुंच गए। मम्मी इस्लामाबाद ही गए ना जो यहाँ से 2 घंटे दूर है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मलेशिया चले गए। आपकी रूमी से बात हुई? रूमी से बात हुई थी, उसकी आवाज में तो इतनी चमक थी, बहुत खुश थी वो। अच्छा, रानी इतनी बुरी चाय बनाई कि हालत तक कड़वा हो गया। नहीं बेटा, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। चाय तो बिल्कुल ठीक है, वैसे ही जैसे रोज बनती है। कमाल है, आप लोगों को तो उसकी कोई बात पूरी नहीं लगती, उसे इतना सर्वर चढ़ा लिया आप लोगों ने। अच्छा मैं दूसरी चाय बनवा देती हूँ। रानी नहीं चाहिए मुझे दूसरी चाय, जा रही हूँ मैं। क्या हो जाता है इसे, क्यों इसके अंदर इतनी कड़वाहट है? कभी कभी अंदर की कड़वाहट बाहर आ जाती है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, आप चाय पिए। अम्मी लाए, बाकी मैं काट देती हूँ। नहीं नहीं, मैंने ये काट लिया है, हंडिया चढ़ाइए, बस तुम जल्दी से ये धो और हंडिया में डाल दो। अच्छा जी। रूमी का फोन आया था, बता रही थी दोनों पहुंच गए हैं साथ खैरियत होटल। वाह भाई, हमारे यहाँ तो आपको पता है कोई घूमने फिरने जाता नहीं है, और अगर कोई गलती से चला भी जाए तो रिश्तेदारों के यहाँ रहते हैं। और सैरिश बता रही थी कि उसने तो उन दोनों के लिए 5-स्टार होटल बुक कराया है। माशाल्लाह, बहुत खुश थी, कह रही थी कि कल नारायण कागान की तरफ निकल जाएंगे। अच्छा, बड़ी खुशकिस्मत है रूमी। आपको याद है शादी के बाद मुझे आरिफ क्लिफ्टन घुमाने के लिए लेकर गए थे, वो भी आपके कहने पे? हाँ मुझे सब याद है। उस वक्त आरिफ की इतनी इनकम नहीं थी कि वो तुम्हें किसी दूसरे शहर घुमाने के लिए लेके जाता। हाँ, और मुझे ये भी याद है कि जब अयान होने वाला था तो आपने मुझे बाइक पे बैठने से मना कर दिया था, और आरिफ के पास तो इतने पैसे होते नहीं थे कि वो मुझे टैक्सी में घुमाए, तो बस यूं ही चलते फिरते ही हनीमून हो गया हमारा। बेटा अब अयान है ना, तुम दोनों उसे साथ ले जाके घूम फिर आना। शानजे, बहुत देर हो गई है, जल्दी जरा हाथ चलाओ। अयान अगर आ गया ना और उसे खाने को कुछ ना मिला, पूरा घर सर पे उठा लेगा। जी जी अम्मी, खाना ही तो बना रही हूँ। खाना बनाने के लिए तो हूँ मैं इस घर में। हेलो। हेलो, क्या हाल है, कैसी हो? ठीक, कुछ कहा था तुमसे? हाँ बाबा, मुझे याद है इसीलिए कॉल की है। जल्दी बताओ। सारे भाई के ऑफिस में पीए की जॉब के लिए किसी की जरूरत है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए बात कर लूँ। पीए की जॉब? पीए की जॉब? मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। हाँ, उनकी पीए अभी नोटिस पीरियड पे है तो कुछ टाइम लग जाएगा। गुड। अच्छा एक काम करो, तुम बात कर लो, लेकिन उन्हें ये ना लगे कि मैं, मुझे जॉब की जरूरत है या मैं उनके ऑफिस आना चाहती हूँ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ बाबा, मैं समझ रही हूँ, डोंट वरी। लेकिन सैरिश, यहाँ तक तो मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन सारिम भाई को लेके मैं आगे कोई कमिटमेंट नहीं कर सकती। और तुम्हें कमिट करने की जरूरत भी नहीं है मैडम, सैरिश के आगे बड़े बड़े मोम हो जाते हैं, तुम्हारे सारे भाई की चीज़ है।
वैसे तुम कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रही? खैर देख लेंगे। ये बताओ ताबिश भाई के जाने का क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या मतलब? मतलब भाभी कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट निकली, एन वक्त पे सारा प्लान फेल हो गया। तुम्हारा प्लान? और इसकी काफी भारी पेनल्टी भरनी पड़ेगी भाभी को। अच्छा चलो फिर बात करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। पर्सनल असिस्टेंट। ओके। थैंक यू। There you go. क्या देख रही हो? चांद देख रही थी। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। जनाब कभी हमें भी देख लिया करें आप। ये चांद तो हमेशा मेरे साथ होता है। मैं पता है ताबिश, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना खुश महसूस नहीं किया। जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि इस लम्हे को अपनी मुट्ठी में कैद कर लो, कहीं जाने ना। तुम्हारे साथ गुजरा हर लम्हा, हर पल, बस थम जाओ। समझ गया, समझ गया। और अगर मुझसे दिल भर गया तो? एक औरत अपने शहर से बेगर्ज मोहब्बत करती है। हाँ लेकिन मोहब्बत में मिल्कियत की कायल होती है और हिस्सेदारी तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त। समझ गया, समझ गया। तो ताबिश का भी ये वादा है कि उसके दिल में और उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी हिस्सेदार नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मुझे यकीन। अच्छा बताओ कि कल का क्या प्लान? वो कल ही पता चलेगा। सरप्राइज है? यस। ठीक है, वेट कर लेती हूँ। लेकिन आज बहुत मजा आया। मुझे भी। तुम भी देखो मेरे साथ जान। ओके। अरिशा तुम लेकर तो जा रही हो लेकिन अगर सारे माँ पे ना हुआ तो हम क्या करेंगे? अरे तुम फिक्र मत करो, वो ऑफिस में ही होंगे। अच्छा तुमने सोच लिया ना कि क्या कहना है? कोई गड़बड़ मत करना, ओके? हाँ हाँ, डोंट वरी। विश बहुत ठंड हो गई है। शॉल तो ठीक से लो तुम। हाँ। थैंक यू। या बैठो। ताबिश क्या कुछ दिन और नहीं रुक सकते? बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा यहाँ से जाने का। मेरी जान दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा लेकिन ऑफिस की जॉइनिंग है। हाँ छुट्टियां खत्म हो गई हैं। समझ सकती हूँ। पर नेक्स्ट ईयर अब इंशाल्लाह दोबारा आएंगे यहाँ पे। अभी से वादा करना पड़ेगा। पक्का वादा। ओके अब जल्दी चलो, चेकआउट का टाइम होता जा रहा है। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं और फिर चलेंगे। ओके पर थोड़ी देर। यस ओके भेज दो।
अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू रिशा? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सारिम भाई, सैरिश से तो आपकी मुलाकात हुई है ना पहले? आई डोंट रिमेम्बर, तुम कह रही हो तो यकीन मिलाऊंगा मैं। अच्छा, वो वैसे हमारा ना यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हम डिफरेंट कंपनी से डेटा और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और सैरिश का मेजर भी आईटी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी कंपनी से भी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली जाए। श्योर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। मेरी पीएम इज साइमा, शी विल हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग। आई होप कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोगों को। यानी हम जाएं? सारिम भाई, मैं फर्स्ट टाइम अपनी फ्रेंड के साथ आपके ऑफिस आई हूँ। I'm sorry. चाय या कॉफी? कॉफी प्लीज। श्योर, यस, दो कॉफी भेज दे। सारिम भाई, आपने अपने लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया? आई एम रियली सॉरी रिशा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आई हैव टू बी देयर। मिसेस साइमा को बता दूंगा, आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, शी विल हेल्प यू आउट। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, चलता हूँ मैं। लो, बड़ी अच्छी मुलाकात कराई है तुमने। सैरिश, मैंने कहा था ना कि सारे भाई थोड़े से मुख्तलिफ नेचर के हैं। वो तो मुझे अंदाजा हो गया था, उन्हें तो मैं याद भी नहीं। वैसे हैरत है कोई मुझे भूल जाए। कहीं एटीट्यूड तो नहीं दिखा रहे थे? एटीट्यूड मेरा नहीं ख्याल। चलो देखते हैं, वैसे ऐसे पर्सनालिटी पे एटीट्यूड तो बनता है। चलो देखते हैं कि कैसे फिक्स होते हैं तुम्हारे सारिम भाई। वैसे सैरिश, तुम्हें उम्मीद है कि तुम हर चीज अपने मुताबिक फिक्स कर लोगी? ऑब्वियसली रिशा, मेरी बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मुझे इतनी देर तक इग्नोर करे? लेकिन इसके लिए मुझे सारिम की कंपनी में जॉब करनी जरूरी है। What do you think? अच्छा बाबा, आप गाड़ी कहीं रोकोगी? मुझे बहुत भूख लग रही है, और वैसे भी मिसेस साइमा ने तो आज दिमाग ही खा लिया। एक तो तुम और तुम्हारा खाना खत्म ही नहीं होता। कहाँ जाना है बताओ? I'm really sorry, Arisha. मेरी एक बहुत important meeting है, I have to be there. Mrs. Saima को बता दूंगा, I hope आप लोगों को कोई problem नहीं होगा, she'll help you out. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, चलता हूँ मैं। बहुत मजा आया मामा, और आपको पता है मैंने जिंदगी में पहली बार स्नोफॉल देखी। भाई, आपके चेहरों और बातों से तो लग रहा है कि आप लोगों ने सैरिश का सरप्राइज गिफ्ट बहुत एंजॉय किया है। बहुत ज्यादा। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, रूमी का तो आने का दिल ही नहीं कर रहा था वहां से, मौसम को देखते हुए। वो तो मैंने कहा कि भाई अब इतना टाइम हो गया, वापस चलते हैं, मुझे ऑफिस भी ज्वाइन करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? मैं ठीक, कैसी है मेरी बहन? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन आपके बगैर थोड़ी सी उदास। कैसी है भाभी? मैं बिल्कुल ठीक। पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। चले बैठे, सब छोड़े। सहरिश, दिस इज फॉर यू, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए पसंद की। भाभी ने पसंद किया? वाओ, शक्ल देख के लग रहा है कि आपने पसंद की हो। अच्छी लगी तुम्हें? हाँ, आई लाइक इट। मामा, क्या आपकी बहुत प्यारी, माशाल्लाह। अरे भाई, हम भी इसी घर में रहते हैं,
अरे हाँ रूमी, पापा के लिए तो लेना भूल ही गए। ऐसा हो सकता है कि आपके लिए भूले हो। ये ले, ये आपके लिए। थैंक यू, बहुत जबरदस्त यार। देखें तो बोल के देखें ना। यार तुम जल्दी क्या है, आप लाए तो अच्छी चीज होगी। रानी बेटा कहीं जा रही हो? जी मामा, ये गाड़ी में रखवा दो प्लीज। कुछ गिफ्ट्स लिए थे अम्मी और अयान के लिए, वो ही देने जा रही। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा भी सलाम कह देना उनको। जी किसके साथ जा रही हूँ? अभी तो ड्राइवर के साथ जा रही हूँ, वापसी में दाबिश पिक करेंगे। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। आप कहीं जा रही हैं भाभी? हाँ अम्मी के घर जा रही हूँ। लेकिन मैंने तो ऑफिस जाना है, कार मुझे चाहिए होगी। तो कोई बात नहीं सैरिश, तुम चली जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। ठीक। अरे नहीं नहीं बेटा, सैरिश बेटा ये अपनी अम्मी को कह चुकी है और वो इंतजार कर रही होंगी इसका। सैरिश बेटा पहले तुम रूमी को उसके घर ड्रॉप कर देना, फिर चली जाना। हाँ ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। एक काम करती हूँ भाभी कि मैं आपको पहले ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है? हाँ बस एक मिनट वेट करें, मैं आ रही हूँ। चले भाभी। चलो बेटा, दाफेस दाफेस। भाभी वैसे आपकी हिम्मत है जो आपने शादी से पहले उस किस्म के एरिया में गुजारा किया। अच्छा क्या जो आपने ताबिश भाई को कन्विंस करके उनसे शादी कर ली। गुड मूव। मैंने तुम्हारे भाई को कन्विंस नहीं किया, उन्होंने खुद मुझे प्रपोज किया था। रियली? क्या आपने इनकरेज किया होगा तभी तो उनकी हिम्मत हुई होगी ना। मुझे लगता है बहुत गलत फहमी है तुम्हें मेरे बारे में। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकती? फकीरनी नजर आ रही। इधर आओ। क्या तुम्हें वो शॉल अच्छी नहीं लगी थी? ऐसी बात नहीं है भाभी, लेकिन आपको पता है मैं चीप चीजें नहीं पहनती। लेकिन इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है, आपको तो अभी तक हाई क्वालिटी और चीप क्वालिटी का फर्क ही नहीं पता चला है ना। चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, मैं सबके जाऊं। कैसी है? मैं ठीक हूँ। किसके साथ आई है भाई? सैरिश के साथ आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अरे भाई सैरिश को बाहर से ही भेज दी, अंदर तो ले आती। भाभी वो जल्दी में थी, आप सबको सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे। तुम क्यों खड़ी हो, बैठो। और ये बताओ कि तुम्हारा सफर कैसा रहा था? सफर बहुत अच्छा रहा, अभी आप सबको पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। रूमी इन शॉपिंग बैग्स में क्या है? भाभी ये आप लोगों के लिए गिफ्ट्स लाई हूँ ना। अच्छा दिखाओ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है अयान के लिए। वाह भाई, ये आप खुद अनरैप करेगा। और भाभी ये मैं लाई हूँ आपके लिए शूज, ये अम्मी आपका। वाह भाई, हाँ ठीक है, वो जो भी पॉइंट्स हैं वो मैं ऐड करके आपको रीसेंड कर दूंगा। ठीक है,
अभी करता हूँ। भाभी पास्ता बन गया तो भिजवा देना, बहुत भूख लग रही है। पास्ता? रूमी आप पास्ता बना रहे हो बेटा? जी मम्मी, मैंने भाभी को कहा कि बहुत भूख लग रही है तो रानी के हाथ खाना भिजवा दें। उन्होंने कहा कि वो पास्ता बना के भिजवा रही है। मेरी तो तुमसे कोई बात नहीं हुई। क्या हो गया भाभी? अभी तो आपने मुझे बोला था कि आप पास्ता भिजवाएंगी। रूमी जब कहा था तो बना लेती ना, क्या रानी से बनवा लेते? सैरिश मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ बेटा। आप नहीं भाई, इट्स ओके, मुझे नहीं खाना। सैरिश बेटा मैं शामी कबाब या कोई सैंडविच बनवा देती हूँ। नहीं मम्मी। अरे मैं क्या? मम्मी बोला ना मैंने आपको, इट्स फाइन, नहीं है भूख मुझे। रोमी अगर पास्ता नहीं बनाना था तो मुझे बता दिया होता। कितने गुस्से में गई है, अब वो कुछ भी नहीं खाएगी। चाहती हूँ उसके कमरे में उसे मनाती हूँ, अगर वो नहीं खाएगी तो मेरे हलक से भी एक नवाला नहीं उतरेगा। मामा आप तो उसने कहा था तो बना लेती ना। हाफिश मैं शुक्र करो उसने हंगामा नहीं किया ना, वो कितना चीखती चिल्लाती है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इस बात का। अब मामा गई हैं उसे बना कर ही वापस आएंगी, अब उनका भी खाना रह गया ना। रूमी जी। मामा रूमी भाजी किचन में सुबह से मुझसे पूछ पूछ के सैरिश बीबी के पसंद के खाने बना रही हैं। कोशिश कर रही हूँ मामा, बस दुआ करें सैरिश को अच्छा लग जाए। जल्दी से जाके डाइनिंग टेबल ठीक कर। जी ठीक है। इतने प्यार से उसके लिए खाना बना रही हूँ तो उसे क्यों नहीं पसंद आएगा? और वैसे भी बेटा सैरिश इस घर की लाडली बेटी है। लाडला तो खैर ताबिश भी है, लेकिन सैरिश के बाद इस घर में कोई बच्चा नहीं आया तो इसलिए सैरिश सबकी लाडली है। लेकिन बेटा गुस्से की तेज है, दिल की बहुत अच्छी है, उसके अंदर से अभी बचपना नहीं गया। तुम उसका ख्याल रखना। मेरी बात समझ गई होगी? बिल्कुल समझ गई। आप परेशान ना हो, मेरी तरफ से सैरिश को कोई परेशानी नहीं होगी। शाबाश मेरी जान। अब जाकर बैठे मैं लगाती हूँ। अच्छा, और बस जल्दी आओ जाके शावर लो। बस आ रही हूँ। रानी जी रूमी कहाँ है, नजर नहीं आ रही मुझे। रूमी बाजी किचन में सैरिश बीबी के लिए आज अपने हाथों से खाना बना रही है। बुलाऊं किचन से? नहीं नहीं रहने दो, तुम जाओ। ठीक है साहब। क्या बात है, बहुत मसरूफ चल रही हैं। ताबिश तुम किचन में क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब? भैया हमें पता चला कि हमारी बेगम खाना बना रही है तो मैंने सोचा आकर मदद कर देता हूँ। तुम मदद करोगे मेरी, उल्टा मेरा सारा काम बिगाड़ दोगे तुम। मैंने खाने में साथ दिया ना तो खाने का मजा दुबाला हो जाएगा। बल्कि एक काम करता हूँ, ये चावल मुझे तो। अच्छा इसको छोड़, अगर कुछ करना है तो इसमें चमचा चलाओ, मैं सब्जी लेके आती हूँ। ओके अब बताओ सैरिश, तुम्हें सब अच्छा लगा ना? भाभी इट्स सुपर यमी। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपने ख्वाम ख्वाब ने आपको थकाया, भला रानी से कह देती वो बना देती सब कुछ। क्यों रानी से कह देती? मेरी प्यारी सी नंद कल मुझसे नाराज थी, उसको मनाने के लिए कुछ तो करना था ना। बहुत अच्छी बात है, इस तरह बेटा आपस में मोहब्बत बढ़ती है। रूमी मुझे तुम्हारा अंदाज बहुत अच्छा लगा। और भाभी मुझे आपकी कभी भी कोई बात बुरी नहीं लगेगी, मुझे आप बहुत पसंद हैं। सरश को तुमने बताया तो नहीं कि सब खाने में मैंने तुम्हारी कितनी मदद की? Okay. इस सब में मेरा भी हाथ है। ओके रियली, तभी इतना अच्छा है। दैट्स चीटिंग भाभी। राइट। भाभी आपको क्या लगता है ये सब कुछ करके आप मुझे सबके सामने नीचा दिखा सकती हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं,
ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा है और ना ही चाहा है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने मुझे कुछ बनाने को नहीं कहा था। तुम सिर्फ मुझे ताबिश की आंखों में बुरा बनाना चाहती थी, है ना? चाहती थी नहीं, चाहती हूं। याद रखिएगा सैरिश, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई बुराई है तो मुझे बताओ, हम इत्मीनान से बैठ के सब सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं है। मैं चाहती हूँ अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई बुराई है तो वो भी खत्म हो जाए। ठीक है, आप ये घर छोड़ के चली जाओ। मेरे दिल की बुराई खत्म हो जाएगी। ये क्या कह रही हो? अभी तो आपने अपने पुराने किए का खमियाजा नहीं भुगता भाभी, और आप नई चालें चलने लगी। मैं कोई चाल नहीं चल रही हूँ सैरिश, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। ओके, और मेरी खुशी इसी में है कि आप चलती रहे, कुर्ती रहे। भाई और मम्मी पापा की नजरों में बुरी बनती रहे, समझी? Thank you so much for bringing these patties, Baba. Mama, वो ताबिश को अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि आपसे ले लूं, उन्हें HR में सबमिट करवाने। हाँ बेटा, मैं दे देती हूँ। बेटा रूमी, अब ये तमाम जिम्मेदारियाँ आपको संभाल लेनी चाहिए। कौसर कब तक संभालेंगे? ताबिश अपनी तमाम ज़रूरी चीज़ें भी कौसर के पास रखवाता है। मेरा ख्याल है कि अब आप लोग कौसर को थोड़ी सी आजादी दोगे, कब तक वो आपकी जिम्मेदारियां संभालेगा। अरे वाह फैजान, आपने ये तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। रूमी माशाल्लाह समझदार भी है और सलीकामंद भी है। भाई अब अपना घर और अपने शौहर को तुम संभालो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं रिटायरमेंट ले रही हूँ। घर में किस चीज की कमी है, क्या चीज आनी है, क्या चीज पुरानी फेंकनी है, अब ये सब आपकी जिम्मेदारी है बेटा। और जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स वाली अलमारी की चाबी है वो भी मैं आपको दे दूंगी। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको बूढ़ी थोड़ी ना हो गई है जो रिटायरमेंट की बातें कर रही है। सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लेती है, और भाभी ये सब कुछ कैसे मैनेज करेंगी? अगर मामा समझ रही हैं कि मैं इस काबिल हूँ कि जिम्मेदारी उठाऊँ तो फिर ठीक है, मैं आपके मयार पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। पापा ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी को पूरे घर का होल्ड कैसे दे सकते हैं? बेटा इसमें होल्ड देने वाली क्या बात है? रूमी इस घर की अकलौती बहू है। अगर कौसर चाह रही है कि कुछ जिम्मेदारियां उनके साथ शेयर की जाएं तो इसमें क्या बुराई है? आप तो कल शादी होकर इस घर से चली जाएगी। अल्टीमेटली ये तमाम जिम्मेदारियां तो रूमी ने ही संभाल ली है ना। लेकिन भाभी ने भी तो अपने घर जाना होगा ना कभी कभी, वो इतना बर्डन कैसे संभालेंगी? सैरिश बेटा मैं कौन से दूसरे घर में शिफ्ट हो रही हूँ, अरे इसी घर में रहूंगी ना। अगर मेरी कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं दे दूंगी रूमी को। नहीं इट्स ओके मामा, मुझे तो आपके साथ की हमेशा जरूरत है, लेकिन अगर सहरिश को बुरा लग रहा है, उसे लग रहा है कि मुझे ये जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए, तो इट्स ओके। जी नहीं भाभी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मम्मी ने जिसको जिम्मेदारी देनी है देती रहूं। तो फिर ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बिल्कुल आपके तरीके से घर चलाऊं, और अगर कहीं गलती कर जाऊं तो गाइड कर दीजिए। ओके बेटा, चलो आप तुम्हें पेपर निकाल के। चल Thank you.
मुझे अंदाजा था कि तुम जरूर आओगी। जितनी ऊंची उड़ान उड़ने की आप कोशिश कर रही हैं ना, उड़ नहीं पाएंगे। वक्त है, संभल जाएं। सैरिश, मैंने मामा से चाबियां मांगी नहीं थी, उन्होंने खुद मुझे दी है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। ना तो मेरा इस घर पे हुक्मरानी करने का कोई इरादा है और ना ही शौक। आप जैसे फेलियर्स क्या जाने हुक्मरानी के बारे में? बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। तो फिर तुम मुझसे इनसिक्योर क्यों हो रही हो? इनसिक्योर वो भी आपसे? मेरी अम्मी कहती हैं कि इनसिक्योर लोगों को खुद पता नहीं होता कि वो क्या करना चाहते हैं। हर बात से इतराज करते हैं और सिर्फ खुद को परफेक्ट समझते हैं। बस बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। और जिस बात पे आप इतना अकड़ रही हैं ना, 24 घंटे के अंदर अगर मैंने ये अकड़ ना निकाली तो मेरा नाम भी सहरिश नहीं, समझिए आप? क्या मतलब? मतलब ये कि 24 घंटे के अंदर मम्मी आपसे खुद चाबियां वापस लेंगी और ये धमकी नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। पता नहीं ये लड़की कब बदलेगी। प्रिंसेस, किन सोचों में घूमो? क्या मैं सहरिश के बारे में ताबिश को बताऊं? नहीं, कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? बस वैसे ही ताबिश। रूही, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने सहरिश के लिए खाना बनाया और अम्मी की गलती को भी खुद सुधारा। मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि घर में सब तुमसे बहुत खुश हैं, स्पेशली सैरिश। उसको खुश रखना थोड़ा मुश्किल है। आपकी मोहब्बत में करती हूँ सब कुछ और उसके बदले मुझे सिर्फ आपका भरोसा चाहिए। खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे तुम पर। सोच ले, कभी कभी मोहब्बत आजमाइश में भी डाल देती है। भरोसा रखो मुझ पर, तुम्हारी आजमाइशों पर पूरा उतरूंगा मैं। I promise. Thank you. रानी, रानी। जी गुप्ता जी। सैरिश आज खाने में क्या खाओगी? कुछ नहीं भाभी, मैं बाहर से खाना मंगवा लूंगी। तुम हमारे लिए दाल कुछ बना दो। रूमी जी, बेटा हमारे फैमिली फ्रेंड है, शाम को उनके बेटे का वलीमा है तो उन्होंने हम सबको इनवाइट किया है और शाम को तुम तैयार रहना, चलना है। ठीक है मम्मी। और हाँ सैरिश, तुमने भी साथ जाना है, तैयार रहना। मम्मी मैं, हाँ ठीक है मैं चलती हूँ। और बेटा वो लोग जरा रख रखाव वाले हैं, एक एक चीज़ नोट करते हैं,
अच्छे से ढंग से कपड़े पहनना और ज्वेलरी तो लाजमी पहनना। जी भाभी। अब और हाँ, आप हमारा खानदानी सेट क्यों नहीं पहनती? वो सेट बहुत खूबसूरत है। सच बोले तो मैंने मम्मी से बहुत मांगा और कहा कि भाभी को कोई और दे देना, लेकिन नहीं, ऐन वक्त में वो टिपिकल सास बन गई। तो मामा, वो सेट आप सैरिश को दे देना। अरे नहीं बेटा, वो सेट मुझे इसकी दादी ने दिया था, और ये जो सेट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे खानदान में बहुओं को दिया जाता है। वो मैंने तुम्हें दिया है। और वहाँ पे आपको अपनी लाडली बेटी याद नहीं आई? अरे बेटा, जब तुम्हारी शादी होगी ना, प्रॉमिस, बिल्कुल वैसा ही सेट बना के दूंगी। जी बेटा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, तुम्हारे अंकल की और अपनी चीजें निकाल लूँ शाम के लिए। जी। और तुम लोग तैयार रहना।